हेलो नमस्ते सत श्रीकाल सलाम वालेकुम, दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्रा। अभी कुछ दिनों पहले जो हरियाणा का टीजीटी एग्जामिनेशन हुआ उसकी मैंने टेंटेटिव आंसर कीज आप लोगों को बताई थी अनऑफिशियली। अभी जो रिसेंटली एक दो दिन पहले जो फाइनल आंसर कीज आई हैं इस एग्जाम के रिलेटेड, अगर आप देखेंगे तो जो हम लोगों ने आंसर्स दिए थे उसके रिगार्डिंग केवल 7 आंसर्स वहाँ पे गलत किए गए हैं। अब ये 7 क्वेश्चंस में से भी अगर आप देखेंगे तो ये 7 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रूफ मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके रिलेटेड, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े से जनरल हैं। इनमें से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से आप 100% एक प्रूफ लगा के वहां पे क्लेम कर सकते हैं ताकि आपके ग्रेस मार्क्स बढ़ सके। तो मैं आज के वीडियोस में आपको यही बताना चाहूंगी कि जो हम लोगों ने आंसर, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम आंसर्स ये गलत है वो गलत, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाहूंगी कि जो हम लोगों ने आंसर कीज बनाई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको वो चीज समझाई है कि इसका आंसर क्यों होगा। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस आंसर कीज के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई थी और जो फाइनल आई उसमें से केवल 7 क्वेश्चंस ही वहां पर चेंज है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। और अगर इसके अलावा किसी भी और क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि और कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही है। जो 7 डाउटफुल क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ सो दैट आपको वो चीज समझ में आ जाए, और मैं उस क्वेश्चन के रिगार्डेड जो प्रूफ आपको दूंगी वो एक नहीं मैं दो दो प्रूफ आपको दूंगी ताकि आप उसको एक अच्छे से वहां पे दिखा सके और उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिल सके और आपकी वजह से शायद औरों का भी फायदा यहाँ पर हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहला जो डाउट है, वैसे काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम 56 क्वेश्चन नंबर, देखिए 56 क्वेश्चन नंबर डाउटफुल तो है बट इसमें क्लेम नहीं हो सकता, इसमें क्लेम हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर एंड मैम, क्योंकि यहाँ पर जो 56 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पर ये बोल रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोपिंग ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो मैंने आंसर कीज आपको बताई थी उसमें भी मैंने यही बताया था कि ए और सी दोनों ही हो सकते हैं, मैंने भी वहां पर यही बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए भी आंसर बन जाता है सी भी आंसर बन जाता है, तो ए और सी में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसका आंसर ए ना हो के सी है तो भी कोई अचंभे वाली बात नहीं है, वो दे सकते हैं, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं या फिर जब आप किसी भी गूगल पर इसके बारे में सर्च करेंगे तो वहां पे केवल एक वो लाइन नहीं देते हैं, वहां पे एक पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ में काफी कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ही सही आंसर है, बाकी इन्होंने सी माना है तो हम इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये आंसर सी भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो 56 जिनको भी डाउट है तो वो चिंता ना करें, सी बिल्कुल ठीक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद 58 क्वेश्चन नंबर पे जिनकी भी बच्चों का डाउट है देखिएगा, इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो एजिलिटी को डेवलप कर रहा है। अब अगेन आई एम सेइंग कि ये जो सवाल है मैंने अपने आंसर की इसमें इसका आंसर दिया था SAQ स्पीड एजिलिटी। तो स्पीड एजिलिटी जो एक टेक्निक है डेफिनेटली इससे आपका एजिलिटी इंप्रूव होती है, ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। किताबों में SAQ टेक्निक के बारे में उतना इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इस रीजन से ये जो सवाल है इसका जो ऑप्शन है वो अनकॉमन साबित होता है। तो SAQ जो है ये भी आंसर होगा बट इन्होंने माना है प्लायोमेट्रिक टेक्निक को, प्लायोमेट्रिक तो आंसर प्लायोमेट्रिक भी हो सकता है बट अगेन आई एम सेइंग कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये लोग नहीं मानेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के थ्रू भी आप एजिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, वो अलग बात है कि स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है वो SAQ ही होना चाहिए, बट इसके लिए एक ऑथेंटिक प्रूफ, क्योंकि गूगल पर या फिर किसी भी वेबसाइट्स का प्रूफ आप अगर देंगे तो ये लोग नहीं मानते हैं, एक ऑथेंटिक बुक में अगर आपको ये मिले तो ही ये मानते हैं। तो लेकिन ऑथेंटिक बुक में SAQ के द्वारा कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आपको इस 58 का जो डी ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ अगर आपको मिलता है किसी अच्छी किताब में अच्छी पब्लिकेशन की किताब में तो जरूर एक बार मुझे बताइएगा सो दैट आपकी वजह से और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि इसके ऊपर भी हम क्लेम अगर करेंगे तो भी इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 58 भी छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते 68, बाकी बीच में जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। 58 के बाद जो 68 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है देखेंगे आप, इनमें से कौन सा हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। तो भाई ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि इस पेपर में जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे
उसके आंसर्स तो इन लोगों ने बिल्कुल ठीक दे दिए। जो इजी इजी क्वेश्चन थे, इजीएस्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हम ये कह रहे थे भाई इसका तो आंसर यही होगा, उसके आंसर लोगों ने गलत कर रखे हैं। ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है देखने के लिए कि आंसर्स जो बनाए जाते हैं वो किस रीजन के साथ बनाए जाते हैं, कि भाई अगर हम आपको पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्यों होगा, किस लिए होगा, तो आपके पास उसका प्रूफ पहले से ही अवेलेबल हो कि भाई इसलिए होगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। मतलब अगर मैं एक रिकमेंडेशन दूँ तो ये दूंगी कि जब भी आंसर कीज आती हैं तो आंसर कीज के साथ एक्सप्लेनेशन भी अगर आ जाए तो शायद हम लोगों को इतनी कंफ्यूजन ना हो, और जब भी हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें दूसरे एग्जाम्स को लेकर तो भी हम लोग 100% सही हो कि भाई इस एग्जाम में ये पेपर आया था, इस पेपर में ये सवाल आया था, इस सवाल का ये मतलब होगा, तो हम इतने क्लियर हो पाएंगे चीज़ों को लेकर, तो आने वाले टाइम के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, बदकिस्मती से आंसर कीज दे देते हैं, आंसर कीज के बाद उसको फिर थोड़ा बहुत करेक्शन कर देते हैं, आधे पत्ती इन्फॉर्मेशन सॉल्व होती है, आधी पत्ती इन्फॉर्मेशन सॉल्व नहीं होती है। इसी तरीके से हमारी कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहती है, कभी सॉल्व भी नहीं हो पाती। बट कोई बात नहीं, होपफुली इसमें ये लोग ऐसा ना करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट 68th जो क्वेश्चन नंबर है इसका तो आंसर 100% ए ही होना चाहिए। ये आंसर मैंने ए दिया था बट यहाँ पर इन लोगों ने गलत कर दिया, तो मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि 68 का करेक्ट आंसर जो है वो ए ही होगा। अब इसके लिए मैं आपको दो प्रूफ यहाँ पर दूंगी। सबसे पहले मैं प्रूफ आपको दूंगी, ये देखिए, आप जब भी क्लेम करेंगे तो आप ऐसी पीडीएफ इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सवाल का जो एक क्लेम आप दे सकते, तो भाई इस तरीके से पीडीएफ बना लीजिएगा, ऐसे आपने ये यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये जो बहुत ही जो फेमस किताब है डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की, तो काफ़ी ऑथेंटिक किताब भी है, तो इसका भी आप क्लेम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप, यहाँ पर भी दिया हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये क्लेम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आप यहाँ पर क्लेम दे सकते हैं, आप ना एक काम करिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग जाके देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स की जब वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे तो वहां पर जो सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च के ऑप्शन में भी अगर आप वहां पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको लिखा हुआ बिल्कुल मिल जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही सर्वोच्च अवार्ड है। वो हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम केवल प्रूफ यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो ये दो प्रूफ काफी रहेंगे इस सवाल के आंसर को चेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो दो प्रूफ मैंने आपको दे दिए, इस तरीके से आप इसकी पीडीएफ बना के डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 68 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। तो बाकी सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही है, एंड मैं आपको बताता हूँ ये जो मैंने पेपर सॉल्व किया था वो सेट नंबर ए है। 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। अब ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो मतलब मैं क्या बोलूं कि इसका आंसर गलत कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं इसका आंसर गलत। इसमें तो अगर मैं एक्सप्लेन भी अगर आपको करूंगी तो आप बोलोगे मैम ये क्या ही एक्सप्लेन करो, सबको पता है। तो इसका आंसर भाई पता ही है कि तीन ही इसका आंसर है। अब हमें चाहिए प्रूफ, तो प्रूफ आपको मिल जाता है जो ऑफिशियल वॉलीबॉल के जो रूल्स हैं FIVB, ठीक है। ये जितनी भी पीडीएफ मैं आपको बता दूं, जितने भी रूल्स एंड जितने भी मैं आपको डेटा दे रही हूँ प्रूफ के लिए, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैट बॉक्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो वहां पे दे दूंगी, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके उसमें ऐड हो जाए। ये सारा प्रूफ आपको वहां पर मिल जाएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो क्लेम है वो करिएगा, सो दैट एटलीस्ट जब ज्यादा लोग आवाज उठाते हैं तो जरूर सुनी जाती है। अगर दो तीन लोग आवाज उठाएंगे, हर कोई ये बोल रहा है अरे भैया कोई बात नहीं, ये बंदा तो दे ही रहा होगा, ये बंदा तो दे ही रहा होगा, तो अगर हम दूसरों के ऊपर ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो शायद कोई भी नहीं दे रहा होगा। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझें, तो जो चीज गलत है वो गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो रूल्स है यहाँ पर आपको ये जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो रूल बुक है मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, तो ये इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 3, ठीक है। तो ये जरूर एक बार देख लीजिएगा, आराम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस रूल बुक में। 75 के बाद चलते हैं आगे, 78 क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे लिया हुआ है इन हॉकी हाउ मेनी पीरियड्स आर टिपिकली प्लेड। तो ये बात भी बिल्कुल सही साबित होती है कि भाई चार पीरियड्स होते हैं, चार होते हैं इसके क्वार्टर्स, बीच में होता है इसका हाफ टाइम, और इसके लिए भी रूल बुक अवेलेबल है यहाँ पर। आप जो
FIH जो रूल बुक है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देखिएगा, नीचे जाके कुछ पेजेस के बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और ये भी जो PDF है ये भी मैं अपनी ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर दूंगी, सो दैट आपको एक स्पेसिफिक आइडिया मिल जाए। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि PDF किस तरीके से बनाते हैं वो आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 17 क्वेश्चन नंबर। इसके साथ एक और मैं आपको प्रूफ देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये एक और NCERT की जो बुक्स है 9th 10th 11th एंड 12th, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। नाउ दिस इज द इमेज फ्रॉम 11th क्लास बुक। 11th क्लास बुक में यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रॉपरली दिया हुआ है, ये प्रॉपरली दिया हुआ है, 11th क्लास की बुक है ये, पेज नंबर 178 में NCERT की बुक है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर पीरियड्स होते हैं, फोर होते हैं क्वार्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है। तो हर एक सवाल का जिसमें भी मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई मुझे या जो ऑप्शन है वो गलत लग रहा है, मैं आपको दो दो एटलीस्ट इसके प्रूफ दे रही हूँ, सो दैट आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ हो और आप उस तरीके से इसको क्लेम कर पाए। अगर आप एक सवाल में दो दो प्रूफ लगाते तो वो और ऑथेंटिक बन जाएगा, तो दो दो प्रूफ लगा दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये सवाल हो जाएगा, इसके बाद एक सवाल और जो मैंने अभी आपको बताया था अवार्ड्स का, तो ये अवार्ड्स का भी जो क्वेश्चन है ये NCERT की बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी दिया हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 इज इंडियाज हाइएस्ट ऑनर गिवन बाय गिवन फॉर द अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है। तो NCERT की बुक तो सबसे ऑथेंटिक बुक मान जाती है फिजिकल एजुकेशन में, TGT एंड PGT एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रूफ मिल जाएगा, और जो मैंने आपको कुछ जो रूल बुक्स दिए हैं वहाँ से आपको अच्छा खासा प्रूफ मिल जाएगा इसका। इसके बाद चलते हैं आगे 78 क्वेश्चन नंबर के बाद, अगर हम बात करें 82 क्वेश्चन नंबर। देखिए ये जो मैंने अपनी आंसर कीज बताई थी उसमें मैंने बताया था फ्रैक्चर, और मैं अपनी जो मिस्टेक है वो मानती हूँ, क्योंकि फ्रैक्चर इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इसका कंकशन ही है। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी अपना वक्त बर्बाद ना करें, कंकशन ही बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। फ्रैक्चर और कंकशन में मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल थी, बट फ्रैक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट कंकशन बहुत रेयर चांसेस इसके होते हैं। और बाकी मैंने ना इसको कहीं ना कहीं एक सवाल में देखा हुआ है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ रह जाती है, तो वहीं पर मुझे थोड़ा सा याद है, बट कंफर्मेशन नहीं था इसके रिलेटेड। तो इसका आंसर डी है, तो इसके ऊपर चिंता ना करें, क्लेम मत करो, जरूरत नहीं है। हाँ, जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लेम करो वो 100% उसके ऊपर क्लेम करिएगा, यहाँ पर क्लेम करने से कुछ मिलेगा नहीं आपको, इसका आंसर ये लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 82 क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 87 क्वेश्चन नंबर की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने अपनी आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ था पुशिंग, क्योंकि शायद क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ एक वो चीज़ नहीं देख पाते जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है, और मैंने भी शायद वही गलती करी एज अ टीचर, कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट। अब अगर आप फंडामेंटल मूवमेंट की बात करेंगे, भाई इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल मूवमेंट नहीं है जिसको एनालाइज किया जाता है। अगर आप देखेंगे रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, पुशिंग, ये फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं। स्विमिंग या फिर साइकिलिंग या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, दीज आर नॉट फंडामेंटल, दीज आर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। सो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर बी है। जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर दिया वो डी दिया हुआ है, बट मेरी ये एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेरा दूसरा सवाल है जो गलत हुआ है मेरा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं उसमें आपको बोला है कि उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बाकी सारे में आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दूसरा मेरा सवाल मेरे से गलत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका स्विमिंग क्यों होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो आप इसके ऊपर अपना वक्त बर्बाद ना करें, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें। मेरे भी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें बहुत सारे 2 दिन से इतने डिस्कशन चल रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि यार मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए सो दैट आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, ठीक है। तो ये जरूर इसका आंसर कंफर्म करिएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है बी, ओके। इसके बाद एक और आप लोगों को डाउट लग रहा होगा कि भाई इसका 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अपने वीडियो में, तो 85 का करेक्ट आंसर सी ही है, और मैंने ये बताया है कि क्यों सी होगा। तो इसमें भी आप टाइम वेस्ट ना करो, मैं आपको जो चीज बोल रही हूँ बस उसके ऊपर देखिएगा, बाकी सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं, कंफर्मेशन किया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं आगे,
87 क्वेश्चन नंबर हो गया। 87 के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है 100। अब इसके लिए मैंने बड़ा इसको सर्च किया। मैंने आपको बोला ना कि जब भी मान लीजिए मैंने डेफिनेशन पढ़ी है पीरियडाइजेशन की, ठीक है, तो पीरियडाइजेशन डेफिनेशन में आप उसके मीनिंग में केवल एक लाइन तो नहीं लिखी होगी ना, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो नहीं दी होगी ना, उसके बारे में 3-4 पेजेस लिखे होते हैं। अब 3-4 पेजेस में कितनी सारी चीजें लिखी होती है वो अलग बात है कि जो मेरा जो मटेरियल है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया है वो उसके ऊपर आप क्लेम दे नहीं पाएंगे। वो अभी थोड़ा सा मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा। अदरवाइज अगर मेरा मटेरियल अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज माई मटेरियल और इसी से मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स को क्लास में, तो जो मैंने अपने टॉपिक्स बनाए हैं, तैयार किए हैं, उसमें जब आप बात करते हैं प्रायोरिटाइजेशन की, ये देखिए ये टॉपिक जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं भी बच्चों को यही पढ़ाती हूँ स्पेसिफिकली कि अगर आप बात करें व्हाट आर द गोल्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, तो यहाँ पर देखिएगा एथलीट्स के परफॉर्मेंस को टाइम पर ऑप्टिमाइज करना जब रिक्वायरमेंट है, जिस टाइम पे कॉम्प्रेशन उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के लिए, रिड्यूसिंग द एथलीट्स ओवर ट्रेनिंग पोटेंशियल, ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए इसीलिए ये प्रिपरेशन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपिंग द एथलीट्स ओवरऑल फॉर अ लॉन्ग टर्म, लंबे डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल समझ में आ गया और यही ऑप्शन दे दिया है एक इस सवाल में। अब यहाँ पर देखेंगे भाई ए ऑप्शन क्या देगा, टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग स्केड्यूल, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट अगर होगा तो भी डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके बाद जो डी ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस पर वीक, तो ये भी कोई आंसर रिलेट नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ वीक्स में आपके ट्रेनिंग सेशंस बढ़ रहे हैं, ये भी कुछ रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी काट दो। अब बचा आपका बी और सी, इन्होंने आंसर दिया हुआ है सी, टू वेरी ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ओवर टाइम। देखिए ये आंसर गलत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आंसर गलत नहीं है, सी आंसर होगा, बट अगर आप बी और सी दोनों को रिलेट करेंगे तो स्पेसिफिकली बी ज्यादा रिलेट होगा, क्योंकि हम प्रिडक्शन में प्लानिंग करते हैं प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, पीरियड्स अरेंज करते हैं सो दैट ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए, प्रॉपर प्रिंसिपल्स के साथ ही ट्रेनिंग हो सके, यही हम लोग क्लेम करते हैं। इंटेंसिटी वॉल्यूम कितना रहेगा, ये एक प्लानिंग का पार्ट है, बिल्कुल है, बट स्पेसिफिकली बी और सी में आंसर बी ही होगा। तो इसके लिए मैंने काफी कुछ सर्च किया बट मुझे स्पेसिफिकली कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि इसका आंसर तो पक्का मेरे अकॉर्डिंग बी ही होगा, मैंने अपने आंसर की में इसका आंसर बी दिया हुआ है, बट यहां पर उन्होंने सी माना हुआ है। सी आंसर गलत नहीं है बट सी के ऊपर हम स्पेसिफिक डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो अगर इसका आंसर आपके पास है, क्योंकि मुझे मिला नहीं, तो अगर इसका आंसर आपके पास है तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, सो दैट हम लोग टेलीग्राम पे एक साथ जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पे आ जाइए, हम वहां पर और डिटेल में बात कर सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये जितने भी डाउट्स मैंने आपको दे दिए, ये जो डाउट्स के जो प्रूफ है मैंने आपको दे दिए हैं, मैंने एक नहीं दो दो प्रूफ आपको दिए हैं, कहाँ कहाँ पर डाउट है, कैसे कैसे डाउट है, वो आप आप लोग देखिएगा। अच्छा, एक और डाउट जो बच्चों को हो रहा है बट मुझे डाउट नहीं है, मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम टाइप नहीं है। देखिए जो दीर्घ प्राणायाम है ये टाइप नहीं होता, मैंने बहुत क्लियरली ये चीज बताई थी, भस्त्रिका, उज्जयी, कपालभाति, ये तीनों ही प्राणायाम के टाइप हैं, बट दीर्घ प्राणायाम है वहां पे दिया हुआ है बट उस टाइप में काउंट नहीं होगा, दैट इज माई करेक्ट आंसर सी है, तो मेरा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे, बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, तो अगेन आई एम सेइंग कि जहां पर भी आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कंफ्यूजन है तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सो दैट आप कंफर्म हो पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा एक चीज और, जो लिंक है ऑब्जेक्शन का, ये जो ऑब्जेक्शन का लिंक है ना, ये लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, वैसे तो अब तक तो आपको मिल गया होगा, तो ये लिंक जब आप ओपन करेंगे तो लिंक ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को पुट करिएगा सो दैट आप इसको क्लेम कर पाए। एक चीज और याद रखिएगा कि एक आईडी से एक ही बार क्लेम हो सकता है, बार बार आप क्लेम नहीं कर सकते, तो ट्राई करिएगा कि एक ही साथ आप जितने भी क्वेश्चंस में
जो क्लेम कर रहे हैं वो सारे एक साथ करें। ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप एक क्लेम दे सकते हो, दो क्लेम दे सकते हो, आप एक साथ बहुत सारे क्लेम दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कंफर्मेशन क्लेम हम करेंगे और करना भी चाहिए, तो कि तीन के तो मार्क्स आपको 100% मिलने चाहिए। और बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उसमें से मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि एक ऑथेंटिक प्रूफ जो है उसका मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, बट जिसमें हम कर सकते हैं एटलीस्ट हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भरिएगा, एक आईडी से जितना आप क्लेम कर सकते हैं करिएगा। प्रॉपर प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, प्रॉपर पीडीएफ ही फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, और कोई फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके ग्रेस मार्क्स अगर मिलते हैं तो वो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, और हम यही चाहेंगे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट वो कंफर्म हो पाए कि किस पे क्लेम करें किस पे क्लेम ना करें। तो ये था मेरा वीडियो आज के लिए, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।